इस वर्ष हम पूज्य बापू का 150वां जयंती वर्ष मना रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री सिरिल रामाफोसा इस साल गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भारत पधार रहे हैं। पूज्य बापू और दक्षिण अफ्रीका का एक अटूट संबंध रहा है। ये दक्षिण अफ्रीका ही था जहां से मोहन महात्मा बन गए। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था और रंगभेद के विरुद्ध में डटकर खड़े हुए थे। उन्होंने फिनिक्स और टॉलस्टॉय फार्म्स की भी स्थापना की थी, जहां से पूरे विश्व में शांति और न्याय के लिए गूंज उठी थी। 2018 नेल्सन मंडेला के जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। वे मडीबा के नाम से भी जाने जाते हैं। हम सब जानते हैं कि नेल्सन मंडेला पूरे विश्व में नस्ल भेद के खिलाफ संघर्ष की एक मिसाल थे। और मंडेला के प्रेरणा स्रोत कौन थे? उन्हें इतने वर्ष जेल में काटने की सहनशक्ति और प्रेरणा पूज्य बापू से ही तो मिली थी। मंडेला ने बापू के लिए कहा था, महात्मा हमारे इतिहास के अभिन्न अंग है, क्योंकि यहीं पर उन्होंने सत्य के साथ अपना पहला प्रयोग किया था। यहीं पर उन्होंने न्याय के प्रति अपनी दृढ़ता का विलक्षण प्रदर्शन किया था। यहीं पर उन्होंने अपने सत्याग्रह का दर्शन और संघर्ष के तरीके विकसित किए। वे बापू को रोल मॉडल मानते थे। बापू और मंडेला दोनों पूरे विश्व के लिए न केवल प्रेरणा के स्रोत है, बल्कि उनके आदर्श हमें प्रेम और करुणा से भरे हुए समाज के निर्माण के लिए भी सदैव प्रोत्साहित करते हैं।